शिमला में महिलाओं को अब भीड़ भाड़ वाली बसों में मजबूरी में सफर नहीं करना पड़ेगा। निगम इसी साल के मध्य में शहर में पिंक टैक्सी शुरू करेगा, जिसमें सिर्फ महिलाएं ही सफर करेंगी। उधर महिलाओं को भी इस सेवा का बेसब्री से इंतजार है। शिमला नगर निगम महिलाओं के लिए शहर में पिंक टैक्सी सेवा शुरुआत करने जा रहा है। इस सेवा के तहत सिर्फ महिलाएं ही टैक्सी में सफर कर सकेंगी। शिमला में इस समय महिलाओं के लिए अलग से किसी भी तरह की कोई परिवहन सुविधा मौजूद नहीं है। वहीं सुबह और शाम के समय यहां की सरकारी और निजी बसों में सफर करने वाली महिलाओं को भारी भीड़ में सफर करना सुरक्षित नहीं लगता। लिहाजा अपने लिए इस नई शुरुआत का अब सभी महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत डिप्टी मेयर के माध्यम से जो भी पता लगा पिंक टैक्स क्या, ये तो बहुत खुशी की बात है। खासकर वर्किंग महिलाएं, वुमन महिलाएं सबको फायदा होना चाहिए, खासकर कॉलेज की लड़कियां, जो भी जितनी महिलाएं हैं इसके लिए फ़ायदा मतलब होना चाहिए, ताकि छेड़छाड़ से भी वो मिल जाए और कॉरपोरेशन को भी इसका फ़ायदा हो। बस इसमें थोड़ा क्राउड होता है और थोड़ा सा मतलब काफ़ी क्राउड होने की वजह से ना सीट्स मिल पाती है प्रॉपर, ना हमारे को फिर ना सिक्योरिटी होती है प्रॉपर। जब फीमेल की बसेस होगी आप दिन रात जब भी जाओगे तो थोड़ा सिक्योर फील कर सकते हो। सिक्योर तो है, अगर हिम्मत शिमला में चल रही हैं टैक्सीज और वो फीमेल ही है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जहाँ पे भी आप जाते हो बसेज में इतना क्राउड है। लेडीज़ के लिए अगर है स्पेशल तो बेटर है। पिंक टैक्सी शिमला के 20 अलग अलग रूट पर दौड़ेंगी। 8 सीटर पिंक टैक्सी की एक और खास बात यह होगी कि इसमें चालक और परिचालक दोनों ही महिलाएं होंगी। इसके लिए निगम कार कंपनियों के सहयोग से महिला चालकों को सेवा की शुरुआत से पहले बकाया प्रशिक्षित भी करेगा। ऐसी टैक्सी जो महिलाओं द्वारा चलाई जाएगी, महिलाओं द्वारा ही ओन की जाएगी, मालिक भी वही होंगी और महिलाएं ही उसमें बैठेंगी। दो मकसद हैं, एक तो ये है कि जो सिक्योरिटी का इशू है, आप जानते हो बस में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, छेड़छाड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो हम दोनों को क्लब करना चाह रहे हैं। एक वो टारगेट है, वो वहाँ से कुछ शिफ्ट होकर इसमें आए, और दूसरा जो प्राइवेट अपनी कार चलाती हैं उनका खर्चा भी ज़्यादा है और हमारे लिए भी न्यूसेंस है, क्योंकि हर ज़्यादा गाड़ियाँ होगी तो यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होगा। हम दोनों को क्लब कर रहे हैं कि जो प्राइवेट चला रहे हैं उनके लिए एक फ़ायदा हो जाएगा और जो बसेस से निकलना चाहते हैं, तो इसका टैरिफ भी हम ऐसे ही रखना चाह रहे हैं। पिंक टैक्सी शिमला के सभी प्रतिबंधित मार्गों समेत कुल 20 रूट पर दौड़ेंगी। वहीं निगम को उम्मीद है कि अप्रैल महीने में इस सेवा की शुरुआत हो जाएगी। इससे जहां महिलाएं सुरक्षित वातावरण में अपना सफर तय करेंगी, तो वहीं शिमला नगर निगम को भी इस सेवा से अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। शिमला से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ सुभाष चंद्रा, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।